हेलो गाइस, दिस इज़ विपिन बलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगा एक और पोइट्री जो कि मैंने कुछ दिन पहले लिखी है। थोड़ा अकेले में बैठ करके थोड़ा सोच विचार कर रहा था तो उस टाइम पे ये ख्याल आया था ये लिखने का, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। इस पोइट्री का नाम है बदलाव, इंग्लिश में कहते हैं चेंज। तो इट्स ऑल अबाउट चेंज, मैं क्या सोचता हूँ और जो भी मेरे थॉट्स हैं वो मैंने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बदलाव के क्षितिज पर खड़ा हूँ, बस एक कदम और चलना है और मैं बदल जाऊँगा हमेशा के लिए, और वो सब खो दूंगा जो कुछ पाया है मैंने। बस इसी पाने और खोने के ख्याल से ही मैं हमेशा क्षितिज तक तो जाता रहा, पर हमेशा वापस लौट कर आता रहा, बिल्कुल वैसे का वैसा, बिना किसी बदलाव के। बदल जाना तो यूं कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे, पर डर लगता है बदलाव के साथ की अनिश्चितताओं का। डर लगता है वो सब खो ना जाए जो पाया हुआ है, वो सब टूट ना जाए जो बनाया हुआ है, वो सब बिखर ना जाए जो पिरोया हुआ है। मैं कहीं खुद में खुद को खो ना दूं, इस ख्याल मात्र से ही डर लगता है। कभी लगता है बदलाव मिलन है विनाश और सृजन का, जहां एक तरफ विनाश अपने चरम पर होता है तो वहीं सृजन अपने पैर पसार रहा होता है। तभी लगता है क्या विनाश सृजन का दूसरा नाम तो नहीं, या कहीं सृजन विनाश की अगली कड़ी ही हो और सृजन का रास्ता विनाश से होकर जाता हो, और कहीं टूट जाने की हद ही फिर से बनने का सफर लिए हुए हो। इस विनाश सृजन के फेरे में मैं अभी भी क्षितिज पर खड़ा हूं। सामने बदलाव खड़ा है आंखों में मेरी आंखें डालता हुआ, और मैं अब भी उसी द्वंद का मारा सोच रहा हूं कि छलांग लगा दूं या रोक लूं खुद को, जो हाथ पड़ा है उसे समेटूं या जो संभावनाओं के गर्भ में छिपा है उसे लपेटूं। जिंदगी में द्वंद बड़ा है। दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी पोइट्री जो मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अपने फीडबैक्स और कमेंट्स जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय।